फाइनली वहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम सुबह से सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे कि हम पहुँचने वाले हैं। मैं बोल रहा था ना कि मैं शायद वहाँ ना जाऊँ, लेकिन मेरे जाने का भी प्लान बन चुका है और मैंने तैयारी भी कर ली है। 10 बजने वाले हैं, सन्नी आने वाला है, बस नीचे जाना है सामान लेकर। काफ़ी ख़ास जगह होने वाली है, क्योंकि आज तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ और काफ़ी टाइम से सोच रहा था वहाँ जाने के लिए और प्लानिंग थी नहीं मेरी, मैंने मना कर दिया था सन्नी से, लेकिन सनी बोल रहा है तो फिर चलते हैं। ऊपर से कूद गए, रिकॉर्ड कर लिया मैंने तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और सनी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूल जाता है आज में अपना, और अभी भी मैंने बताया नहीं किसी को हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गुप्त है, भी नहीं है, सीक्रेट है। जब पहुंच जाएंगे तभी दिखा देंगे, तो देखते रहो, बने रहो। और एक मैं कुछ बोलना चाहता हूँ खासकर हमारे के यूट्यूबर है, बहुजन यूट्यूबर सोनू के लिए, कि सोनू भाई बुरा मत मानना यार, ये कुछ हमारी प्राइवेट एक ट्रिप है जिसके बारे में हम किसी को बताना नहीं चाहते, मतलब मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, ये मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन पता चल जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो यार उसके लिए सॉरी, और नेक्स्ट टूर जो भी होगा तुम्हें साथ में जरूर लेकर चलेंगे। टिकट ले लिया? हाँ। तो यहाँ पर है दीपेंद्र कहाँ जा रहे हैं, वो कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ लेके जा रहे हो, किडनैप तो नहीं कर रहे मेरा कहीं? नहीं, किडनैप वाला मामला नहीं है, जाने का विचार है। अच्छा, अभी बीप कर देंगे बताएंगे हम लास्ट में बताएंगे। तो अभी हम तीन लोग हैं जो जा रहे हैं खास जगह पे, और बने रहिए वीडियो में, तो हम लोग आखिरी में आपको बता देंगे कहाँ जा रहे हैं, और बहुत खास वीडियो आने वाले लगातार। फाइनली वहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम सुबह से सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे कि हम पहुँचने वाले हैं। हाँ, तो आपको दिखाते हैं हम एक्चुअली में कौन से स्टेशन पे खड़े हैं इस वक्त। तो वो जगह है, वो ये है लखनऊ, और ये टॉप सीक्रेट जो बनाया था वो इसने बनाया था, और मैंने मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था। अब जो भी सवाल पूछने इससे जाके पूछना इसके वीडियो में जाके कि ये जो ट्रिप है इतना टॉप सीक्रेट क्यों होता, अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। चलो मैं दूंगा जवाब। यहाँ देखा जाना है तो पिंजरे जैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ स्टेशन बहुत सुंदर है, देखिए पीछे काफ़ी आलीशान सा है। यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है पुराने ज़माने की, जैसे ग्वालियर में खड़ी हुई है, तो ये बहुत सुंदर है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्टेशन, और जस्ट सामने यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, काफ़ी डेवलप है, और काश ऐसा ग्वालियर होता, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में मुझे। बाकी सुबह पता चलेगा, अभी तो काफ़ी अंधेरा है। अभी आखिरकार ये नवाबों का शहर है यार, तो सुंदर नहीं होगा तो क्या होगा, ग्वालियर नवाबों का शहर है क्या? तो
कहा जाओ ना। यहाँ पे हमारा होटल मिल चुका है और देखो मेरे कैमरे में फ्लैश नहीं है, इसके मोबाइल में फ्लैश है, बताओ। फ्रंट कैमरे में फ्लैश है, शक्ल भी रंग से नहीं आती। और ये एक रूम मिला है 314। श्रीकांत अम्बेडकर, उन्होंने पहले ही हमारे लिए होटल बुक कर दिया था। चलो आप सोएंगे यार। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अगर झांसी रहते हो तो झांसी से लखनऊ कैसे आ सकते हो और पास में कौन सा होटल है। आप मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में बहुत सारे होटल हैं। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है तो आप यहाँ पर होटल लेना, अदरवाइज़ यहाँ होटल मत लेना, यहाँ बहुत महंगे होटल हैं। बाई चांस लकीली हमारे यहाँ पर एक YouTube फ्रेंड थे, हमारी फैमिली YouTube फैमिली में जो तथागत लाइव, उसमें से हमारे एक फ्रेंड निकल कर आए, उन्होंने ये रूम हमारे लिए बुक करवा दिया और काफ़ी अच्छा है ये। तो आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। काफ़ी भव्य मूर्तियाँ हैं ये, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था। ए, नहीं करो।